दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के एक नए अपडेट के बारे में। दोस्तों जितने भी छात्र छात्राओं ने इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं यानी कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, और जिसको अभी तक जो है छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला है, जिस कारण से उन सभी को जो है यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में अंडर प्रोसेस और किसी का पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग शो कर रहा है। इसी में से कुछ स्टूडेंट का पेमेंट जो है अटकने का मुख्य कारण भी है आधार सीडिंग, जिसको लेकर के पिछले दिनों जो है बहुत सारे स्टूडेंट को जो है इसको लेकर के मैसेज भी आना शुरू हो गया था कि आपका जो है यहाँ पर आधार सेटिंग नहीं होने के कारण आपको यहाँ पर जो है पेमेंट नहीं दिया जाएगा। और उन सभी स्टूडेंट का क्या था कि यहाँ पर पेंडिंग किसी का जो है यहाँ पर अंडर प्रोसेस दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है अब जिसका केवाईसी कंप्लीट हो गया है अब इसको लेकर के जो है उन सभी को मैसेज भी आना शुरू हो चुका है। केवाईसी में क्या कुछ बताया गया है समझेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ। यहाँ पर आप सभी को बता दें कि इसमें कुछ नंबर भी दिया गया है और क्या क्या यहाँ पर बातें को बताई गई है, किस प्रकार से केवाईसी अगर हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो है सक्सेसफुल का मैसेज आता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे दिखाएंगे भी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल रॉकस्टार एजुकेशन। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है देयर, और जो भी स्टूडेंट है उसका नाम है यहाँ पर लिखा हुआ योर केवाईसी रिकॉर्ड बिलिंग नंबर, यानी कि जिसका भी केवाईसी कंप्लीट हो जाता है आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है एक नंबर दिया जाता है, तो यहाँ पर उन स्टूडेंट को यहाँ पर नंबर भी दे दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है इच रजिस्टर्ड विद सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यानी कि इस स्टूडेंट का केवाईसी जो है पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसका रजिस्टर हो गया है विद जो भी बैंक है पर जो है बैंक का नाम भी इस प्रकार से शो कर रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर केवाईसी जो भी स्टूडेंट करा रहे हैं उन सभी को मैसेज भी आना स्टार्ट हो गया है। यदि आपने जो है अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं किए या आधार सेडिंग को नहीं किए हैं तो आप जो है जल्द ही यहाँ पर करा लें तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आधार सेडिंग नहीं होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर पेमेंट अभी भी यहाँ पर अटका हुआ है, फिर आप सभी को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप सभी को जो है आज की वीडियो में इसी को लेकर के इन्फॉर्मेशन देना था ताकि आप जो है केवाईसी करवाएं तो आपको ये समझ में आए। केवाईसी में एक आपको नंबर भी भेजा जाता है जो कि आपका संख्या रहता है, कितना नंबर आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, केवाईसी हुआ या नहीं हुआ है। भाई वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही।